वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर जीएसटी के क्वेश्चंस को जो हम सीख रहे थे एडजस्टमेंट से रिलेटेड, उसके सेकंड पार्ट्स को हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 8 तक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, और बाकी के जो भी क्वेश्चन पेंडिंग है वो आज की क्लास में कम्प्लीट करेंगे। सबसे पहले आप अगर देखें, लोकल सेल हमारी जो हुई है उसमें प्रोडक्ट ए पर 18% जीएसटी है, प्रोडक्ट बी पर 5% और प्रोडक्ट सी पर 12%। साथ ही साथ हमारे यहाँ परचेजेस भी दी गई है, सेम प्रोडक्ट ए पे 18%, बी पे 5 और सी पे 12। नॉर्मली जो हमने पिछले कुछ नोट्स को पढ़ा था कि सीजीएसटी एंड एससीएसटी आपस में कभी भी एडजस्ट नहीं हो सकते, अगर सीजीएसटी का क्रेडिट बचता है और एससीजीएसटी का पेबल अमाउंट होता है तो वो हम सीजीएसटी से एडजस्ट नहीं कर सकते। हाँ, हम उसको आईजीएसटी के साथ पेबल जरूर कर सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट को देखते हैं आगे, इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सीजीएसटी एससीएसटी का आप देखें, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर दे रखा है सीजीएसटी का ₹20 और एससीएसटी का 110। सबसे पहले यहाँ पर ये जो 20,000, 30,000 और 34,000 है, ये अमाउंट हम यहाँ पर ले लेंगे 20,000, 30,000 और 34,000। अब इन पर रेट जो हमें दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम इस पर टैक्स लगाने वाले हैं, 9%। 9% हमारा लगेगा सीजीएसटी और 9% हमारा एसजीएसटी। सेम अमाउंट हम यहां से इक्वल के साथ अप्लाई कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। यहां पर बी प्रोडक्ट पर 2.5% क्योंकि 5% हमारा यहां पर जीएसटी है। जैसे ही हमने यहाँ पर निकाला ₹750, और यही हमारा एसजीएसटी का भी बैलेंस होगा। सेम हम लगाते हैं यहाँ पर 34,000 का जो कि 12% है, इसका मतलब 6% हमारा सीजीएसटी लगेगा और 6% हमारा एसजीएसटी। तो सेम बैलेंस हमारे यहाँ पर अप्लाई होगा। टोटल टैक्स अगर हम यहाँ पर जोड़ें तो हमारा यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी मिला के हमारा 99% से जो बैठेगा वो होगा ₹3600। इसी तरीके से हम इसे डाउनफिल कर देंगे कंट्रोल डी की हेल्प से। सेम हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा, और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर हमें एसजीएसटी वाला ही बैलेंस लेना है। हमें यहाँ पर इनपुट क्रेडिट के लिए हमारी जो परचेजेस हैं ऊपर, अगर आप देखें 24,000 है प्रोडक्ट ए का जो हमने परचेज कराया अमाउंट, साथ ही साथ यहाँ पर देखें 18,000 है और फिर है 32,000। तो जितने भी परचेजेस थी वो हमने डाल दी क्योंकि इसका इनपुट हमें लेना है। आप ये फॉर्मूला सेम कॉपी कर देंगे तो जो हमारा टैक्स रेट है वही यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब देखेंगे पूरा फॉर्मूला अपने आप लग चुका है 9%, 5% से और 12% से। तो बार बार कैलकुलेशन का प्रोसेस हमें नहीं करना होगा क्योंकि एक्सेल में इसीलिए हम वर्क कर रहे हैं कि वो थोड़ा फास्ट हो। तो यहाँ पर अगर आप देखें हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट हो चुका है इनपुट क्रेडिट के लिए। अब हम देखना चाहते हैं हमारा इनपुट कितना था। तो सीजीएसटी का अगर हम देखें, पहले तो हम यहाँ पे इसका टोटल कर लेते हैं। ऑल्ट प्लस के साथ हम यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चाहें तो फॉर्मूला भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्मूला ले लेते हैं सम, और जितना भी हमारा इनपुट है वो हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो टोटल अगर हम देखें यहाँ पर हमारा इनपुट आया है 4530 का, और आउटपुट की अगर बात करें जो आउटपुट का हमारा टोटल है वो यहाँ पर हम देखते हैं वो आया हमारा ₹4590 का। इसका मतलब हमारा आउटपुट ज़्यादा है, इनपुट हमारा अभी कम है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर जब हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे ₹20 हमारा सीजीएसटी का था और ₹110 हमारा एसजीएसटी का था। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो टोटल है इनपुट वो है ₹4550। अब क्योंकि हमारा सीजीएसटी का अमाउंट यहाँ पर आउटपुट का ज़्यादा है और यहाँ पर इनपुट का कम है, तो हमारा आउटपुट माइनस इनपुट होगा, यानी कि जो हमारा टोटल अमाउंट है उसमें से हम माइनस कर देंगे हमारा इनपुट बैलेंस।
तो ये हमारा 40 रुपए का पेबल अमाउंट आएगा। साथ ही साथ अगर हम देखें यहाँ पर इसको जोड़ने के बाद, जो कि हमारा टोटल इनपुट हमें यहाँ पर जोड़ना है, वो हमारा बैलेंस आ रहा है यहाँ पर 4640 रुपए। तो इस केस में आप देखें इनपुट ज़्यादा है आउटपुट कम है, तो यहाँ पर हमारा जो इनपुट है अब उसमें से हम आउटपुट को घटाएंगे और वो हमारा होगा जीएसटी क्रेडिट। तो ये हमारा जीएसटी क्रेडिट अमाउंट निकला है 50 रुपये का। एडजस्टमेंट कुछ हुआ नहीं है क्योंकि स्टेट टैक्स नहीं है, तो पूरा के पूरा हमारा बैलेंस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट मंथ के लिए। तो होपफुली आप अब समझ चुके हैं कि यहाँ पर हम जो पेबल अमाउंट है सेंट्रल का सीजीएसटी का, उसको पेबल अमाउंट को हम स्टेट गुड सर्विस टैक्स से एडजस्ट नहीं कर सकते। तो यही चीज हमने ऊपर कंसेप्ट देखा था कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट ईच अदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारा सीजीएसटी एसजी के साथ साथ आईजीएसटी भी यहाँ पे हमें कंप्यूट करना है, और ये पूरा की पूरा सेल परचेज हमें दिया गया है। सेम आप देखें पिछले वाले क्वेश्चन का ही अमाउंट है, सेम अमाउंट तो है लेकिन यहाँ पर इंटर स्टेट सेल और इंटर स्टेट परचेज है। तो सिंपली हमने लोकल में तो सब कुछ जीरो रखा है, और जो ओपनिंग इनपुट था 20 रुपये और 110, वो यहाँ पर सेम एज इट इज रखते हुए इनपुट क्रेडिट इसका यहाँ पर रख लिया है, क्योंकि अभी हम एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करना है 20,000, 30,000 और 34,000 का। यहाँ पर आप देखें 12%, 5% बी प्रोडक्ट के लिए, और यहाँ पर 18% हमने लगा दिया है ए प्रोडक्ट के लिए। अब जो हमने परचेज करा है 24,000, 18,000 और 32,000 का, वो अमाउंट यहाँ पर लिख देते हैं 24,000, 18,000 और 32,000 से। सेम चीज हम ऊपर से फॉर्मूला कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमने जब एक बार फॉर्मूला लगा दिया है तो हम उसे कॉपी पेस्ट जब करेंगे तो वहां से हमारा फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर हमारा इनपुट का अमाउंट कम है, आउटपुट का अमाउंट ज़्यादा है, और कोई भी हमें आईजीएसटी का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया, तो यहाँ पर जीरो रखते हुए ये टोटल हमारा आ जाएगा 9,060 का। तो अगर हम यहाँ पर देखें हमारा पेबल अमाउंट निकलेगा, क्योंकि हमारा आउटपुट का बैलेंस ज़्यादा है और इनपुट का बैलेंस कम है, तो आउटपुट माइनस टोटल इनपुट ये हमारा 120 रुपये का आईजीएसटी का पेबल अमाउंट आया है। अब क्योंकि हमारे पास इनपुट क्रेडिट है 20 और 110 टोटल 130 का, तो हम यहाँ पर 120 रुपये पूरा एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारा आईजीएसटी का बैलेंस तो हो जाएगा नील, और पूरा के पूरा हमने सेंट्रल का यूज कर लिया है, ये हमारा बैलेंस बचेगा जीरो। उसके बाद जो हमारा अमाउंट बचा है यहाँ पर हमने 120 रुपये में यहाँ पर 100 रुपये का अमाउंट भी हमें यहाँ से घटाना है, यानी कि हमारा अभी बैलेंस जो बचेगा वो स्टेट का 10 रुपये का बैलेंस अभी हमारे पास इनपुट क्रेडिट है, जो हम नेक्स्ट मंथ में उसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये हमने देखा एडजस्टमेंट आईजीएसटी के साथ। पिछले क्वेश्चन में हमारा सिर्फ लोकल सेल लोकल परचेज था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने देखा कि इनपुट बैलेंस अगर हमारा बचता है स्टेट या गुड्स का, तो हम उसे आईजीएसटी के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखें तो दो तरीके से हमें यहाँ पे कंप्यूट करना है, जैसा कि मैंने बताया अमेंडमेंट हुआ था 31 जनवरी तक का रूल और 1 फरवरी से जो रूल था, हमें दोनों ही कंसेप्ट यहाँ पर देखने हैं कि अगर 31 जनवरी तक का रूल है तो कैसे हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी को यूज करना था आईजीएसटी के साथ, और 1 फरवरी से जो रूल है उसमें हमें कैसे एडजस्ट करना है बैलेंस को। तो आइए उसको सबसे पहले देख लेते हैं। पहले कैलकुलेशन हम देखेंगे। लोकल सेल और लोकल परचेज दी गई है, साथ ही साथ इंटर स्टेट सेल और इंटर स्टेट परचेज भी दिया गया है। अभी हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले आउटवर्ड हमारा यहाँ पर जो है यानी कि सेल, वो है हमारा यहाँ पर 1,00,000 का। सीधा सीधा इनपुट क्रेडिट की बात करें तो वो है 60,000। यहाँ पर आप सीजीएसटी एसजीएसटी निकालेंगे क्योंकि 5% है, तो 2.5% यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है।
2.5% हमारा सीजीएसटी और 2.5% सेम बैलेंस हमारा एसजीएसटी का होगा। यहाँ पर हम इनपुट को भी एडजस्ट कर देते हैं 2.5% से। एडजस्ट करने के बाद हमारा यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट का बैलेंस सेम हो जाएगा 2.5% से। अब अगर हम इसे जोड़ें, जोड़ने के बाद हमारा यहाँ पर अमाउंट जो हो जाएगा टोटल टैक्स 5,000 का और यहाँ पर हो जाएगा 3,000 का। अब यहाँ पर हमें जीएसटी पेबल देखना है या क्रेडिट है, तो सबसे पहले आप देखें आउटवर्ड सप्लाई हमारी ज़्यादा है, इसका मतलब हमारा जीएसटी पेबल अमाउंट निकलने वाला है। जीएसटी पेबल के लिए हम आउटपुट माइनस इनपुट कर देंगे, वही बैलेंस को हम यहाँ पे कंट्रोल आर से कैलकुलेट करते हुए यहाँ पर निकाल लेंगे। 1,000 रुपये का हमारा जीएसटी पेबल अमाउंट और 1,000 रुपये का हमारा एसजीएसटी, यानी कि टोटल 2,000 रुपये का हमें जीएसटी पेबल करना है। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट की बात करेंगे। एडजस्टमेंट से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं अपना टैक्स का कैलकुलेशन। सबसे पहले आउटवर्ड में हम देखते हैं यहाँ पर है हमारा 2,00,000 का और 2,32,000 का हमारा है यहाँ पर परचेज। सीधा सीधा यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे 5% से। 5% से हमारा यहाँ पर बैलेंस आएगा 1,000 रुपये का। इनपुट क्रेडिट की बात करें तो वो आ रहा है 11,600। तो सीधे सीधे क्योंकि इनपुट ज़्यादा है आउटपुट कम है, तो IGST का हमारा जो है इनपुट क्रेडिट आएगा, हमें इनपुट में से आउटपुट को घटा देना है, हमारा 1,600 रुपये का इनपुट क्रेडिट यहाँ पर बच रहा है। अब अगर हम देखें यहाँ पर 1,000 रुपये का हमारा सेंट्रल पेमेंट करना है, 1,000 रुपये का हमारा स्टेट पेमेंट करना है और IGST का बैलेंस भी अभी क्रेडिट साइड में है, तो पहले पूरा की पूरा हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे यहाँ पर 1,000 रुपये और 600 रुपये, क्योंकि पहले हमें पूरा के पूरा सेंट्रल को यहाँ पर क्लियर करना है अमाउंट, उसके बाद जो बचा हुआ बैलेंस है वो स्टेट में कवर अप कर देना है। तो यहाँ पर हमारा सेंट्रल तो पूरा के पूरा क्लियर हो चुका है और यहाँ पर अगर बात करें स्टेट की तो उसका अभी बैलेंस पेबल बचता है 400 रुपये। पूरा के पूरा हमने एडजस्ट कर दिया है IGST का बैलेंस, तो हमारा IGST का अब इनपुट क्रेडिट नहीं बचा, हमारा पूरा के पूरा हमने उसको इस्तेमाल कर लिया है सेंट्रल और स्टेट में। जो हमारा पेबल अमाउंट था अब वो पेबल अमाउंट हमारा कम हो चुका है, तो 400 रुपये की हमारी लायबिलिटी बचती है जीएसटी पेबल की। तो ये तो कैलकुलेशन था 31 जनवरी का। अगर हम बात करें 31 जनवरी के बाद जो कि अब चल रहा है रूल, वो कैसे कैलकुलेट करना है उसको हम पहले देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई जो कि हमारी 1,00,000 की है, हमें पूरा की पूरा अमाउंट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देना है, क्योंकि दोबारा हम फार्मूला लगाने के बजाय उसे यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पहले हमें एडजस्टमेंट करना होगा, यानी कि हमें यहाँ से पहले IGST का कंप्यूट करना है, क्योंकि इसका कोई रूल चेंज नहीं हुआ है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमारा CGST SGST के केस में चेंज हुआ है। तो पूरा की पूरा अगर हम देखें यहाँ पर, ये पूरा की पूरा कॉपी पेस्ट कर देते हैं हमारा अमाउंट का, यहाँ पर हमारा बैलेंस बचेगा अमाउंट हम ले लेते हैं 2,00,000 और 2,32,000। यहाँ पर हमारा जो फिर से वही बैलेंस है कैरी फॉरवर्ड, हमारा 1,600 रुपये का हमारा अमाउंट बचेगा, आप चाहें तो इसे वापस से घटा सकते हैं। हमारा इनपुट क्रेडिट माइनस हमारा 10,000 रुपये का आउटपुट, 1,600 रुपये का हमारा यहाँ पर बैलेंस है और हमारे पर पहले एडजस्ट करना है। तो आप देखेंगे 2,500 रुपये का भी पेबल अमाउंट है, पहले हमने पूरा के पूरा यहाँ पर उसे यूज़ कर लिया है, यहाँ पर तो कोई बैलेंस बचा ही नहीं, यहाँ पे पूरा के पूरा हमने IGST का जो बैलेंस है वो सेंट्रल के साथ एडजस्ट कर दिया है। और बैलेंस की बात करें तो सेंट्रल के आउटपुट में से ये हम एडजस्टमेंट का अमाउंट घटा देंगे, 900 रुपये का हमारा पेबल अमाउंट रहेगा यहाँ पर सेंट्रल का, और स्टेट का पूरा के पूरा रहेगा क्योंकि अब हमारा कोई बैलेंस यहाँ पर बचा ही नहीं। अब यहाँ पर आप सम के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि आपका टोटल एडजस्टमेंट हुआ है 1,600 रुपये का और यहाँ पर आपका जो टोटल बैलेंस है पेबल का आफ्टर एडजस्टमेंट वो कितना है। सीधा सीधा आप सम या प्लस की हेल्प से इनको जोड़ सकते हैं।
अब सीधा उसके बाद हम यहाँ पर इनपुट क्रेडिट यूज करेंगे जो हमारा परचेज अमाउंट का था। इसका मतलब हमारा जो 60,000 रुपये का परचेज था उसका इनपुट क्रेडिट हम एडजस्ट करने के बाद लेंगे। तो यही फर्क है, 31 आप ऊपर देखें जनवरी तक का जो एडजस्टमेंट था वो बाद में हो रहा था इनपुट लेने के बाद, लेकिन यहाँ पर 1 फरवरी से जो नया रूल आया है, पहले आपको आपका IGST का एडजस्टमेंट करना है, देन आप अपना इनपुट क्रेडिट उसमें से घटाएंगे और बाकी का जो बैलेंस बचता है पेबल है तो वो आपको पे करना है नेक्स्ट मंथ, और क्रेडिट है तो वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो सीधे सीधे अगर हम यहाँ पर देखें हमारा इनपुट क्रेडिट जो होगा यहाँ पर सेंट्रल के लिए और स्टेट के लिए हम अप्लाई करेंगे 2.5% हमारा, और सेम टू सेम हमारा यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर हमारा CGST का इनपुट ज़्यादा है और पेबल है 900 रुपये का, तो ये जो बैलेंस हमारा आएगा वो हमें 1500 में से 900 रुपये घटाना है और ये होगा हमारा बैलेंस GST क्रेडिट सेंट्रल का। अब यहाँ पर इनपुट 1500 है, पेबल 2500 है, तो क्योंकि आउटपुट ज़्यादा है तो हमें आउटपुट में से इनपुट घटाना है और ये अमाउंट होगा हमारा पेबल अमाउंट। और जीता हमने पूरा के पूरा यूज़ कर लिया है वो पूरा 1600 यहाँ पर हमें पूरा के पूरा घटा देना है, बैलेंस हमारा IGST का बचेगा 0। तो ये था हमारा एडजस्टमेंट, हमने देखा एडजस्टमेंट करते हुए अगर हमारा बैलेंस बचता है IGST का तो हम उसे कैसे सेंट्रल और स्टेट के साथ यूज़ करेंगे। दोनों रूल हमने देखे, 1 फरवरी से और 31 जनवरी तक का जो पुराना रूल था उसमें हम कैसे एडजस्ट करते थे। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखें हमारा सेल परचेज लोकल और इंटर स्टेट दोनों दिया गया है, GST रेट भी दे रखे हैं। ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, जैसे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया क्वेश्चन नंबर 11 में, सेम प्रोसेस है, हमें यहाँ पर सेंट्रल स्टेट और IGST को निकालते हुए कैलकुलेशन करना है जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन नंबर 11 में बताया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जो कि हमारा फाइनल क्वेश्चन है आज की वीडियो का। यहाँ पर सेल अगर हम देखें लोकल तो है लेकिन इंटर स्टेट सेल नहीं है, परचेज लोकल नहीं है और इंटर स्टेट है, तो यहाँ पर हमें कंप्यूट करना है सेम प्रोसेस। ये क्वेश्चन करने के बाद आपको पूरा एडजस्टमेंट का पूरा फंडा समझ आ जाएगा। आइए सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि लोकल हमारा जो सेल हुआ है, लोकल सेल यहाँ पर हमारा 1 लाख का है, सेंट्रल और स्टेट्स हमें यहाँ पर निकालना है, 2.5% हमारा यहाँ पर टैक्स लगेगा। पहले हम यहाँ पर 2.5% कैलकुलेट कर लेते हैं, सेंट्रल का भी हमारा सेम अमाउंट होगा जो हम इक्वल के साथ सेम असाइन वैल्यू करा लेंगे। टोटल टैक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा सम फॉर्मूला लगाते हुए हमारा जो टोटल सम आएगा 5,000 रुपये का। इनपुट हमारा है नहीं तो पूरा के पूरा हमारा सेंट्रल और स्टेट का कोई टैक्स नहीं बनेगा क्योंकि लोकल परचेज यहाँ पर नहीं है, और क्योंकि हमारा आउटवर्ड है तो यहाँ पर पूरा के पूरा हमारा पेबल अमाउंट निकल के आएगा, यानी कि आपको आउटवर्ड में से इनपुट क्रेडिट घटाना है जो कि 0 है, पूरा के पूरा 2500 रुपये का हमारा पेबल अमाउंट यहाँ पर शो होगा और हमें ये पूरा के पूरा अमाउंट पे करना है। अब पहले देख लेते हैं IGST की कैलकुलेशन। यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई अगर हम देखें IGST के केस में इंटर स्टेट में 1,40,000 की है लेकिन परचेज यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब IGST हमारा बिल्कुल नहीं आएगा आउटवर्ड अगर हमारा नहीं है, लेकिन इनपुट की बात करें तो वो है 1,40,000 का। तो यहाँ पर 1,40,000 पर हम 5% का GST लगाते हैं और ये जो 7,000 रुपये है ये हमारा इनपुट क्रेडिट होगा जो कि कैरी फॉरवर्ड होगा। इस अमाउंट में से हमें अपना एडजस्ट करना है CGST और SGST का बैलेंस, तो हमें यहाँ पर इनपुट माइनस आउटपुट करना होगा। हमने पहले आउटपुट माइनस इनपुट कर दिया था, जब इनपुट ज़्यादा है तो इनपुट में से हम आउटवर्ड को घटाते हैं। अब एडजस्टमेंट की बात करें, 7,000 रुपये का हमारे पास इनपुट क्रेडिट है तो हमने पूरा की पूरा इसको एडजस्टमेंट कर दिया और पूरा की पूरा यहाँ पर भी एडजस्टमेंट कर दिया। यहाँ पर एडजस्टमेंट करने के बाद
यहाँ पर एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा जो बैलेंस बचेगा पेबल माइनस एडजस्टमेंट जीरो और स्टेट का भी हमारा जीरो बैलेंस बचेगा। इसका मतलब हमने पूरा के पूरा 5,000 रुपये एडजस्टमेंट के लिए यूज कर लिया है, हमारा जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 7,000 में से 5,000 घटाने के बाद 2,000 का। ये केस था हमारा 31 जनवरी का जो हम पहले करते थे। दोनों प्रोसेस को समझ रहे हैं तो अच्छा सा हमें सब क्लियर हो जाएगा। एक फरवरी का कंसेप्ट देखते हैं, एक फरवरी जो 2019 से कंसेप्ट है जो भी हमारा आउटवर्ड निकल के आया था ऊपर, वो हमें लेना तो है और पहले ही एडजस्टमेंट कर देना है। यहाँ पर हम बाद में एडजस्ट कर रहे थे, यहाँ हमें पहले एडजस्टमेंट करना है। पहले एडजस्टमेंट करना है तो क्या होगा, वो दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। पहले आप देखें हमारा आईजीएसटी का बैलेंस बचा हुआ था 31 जनवरी वाले रूल से 2000 का। अब यहाँ पर हम पहले यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं आईजीएसटी, क्योंकि यहाँ पर तो कोई चेंजेस नहीं है, सेम प्रोसेस हमारा ऊपर वाला है। यहाँ पर जीरो और 1,40,000 का हमारा परचेज जो कि इंटरस्टेट परचेज है, उस पे हमारा यहाँ पर 5% से टैक्स चार्ज होगा। 7,000 रुपये का हमारा ये रहेगा क्रेडिट, हमें इनपुट में से आउटपुट को घटाना है। अब यहाँ पर आप देखें हमें एडजस्टमेंट करना है 7,000 का, तो पहले हम एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ पे 2,500 रुपये का। सेम कंसेप्ट हमारा होगा स्टेट के लिए 2,500 का। एडजस्ट करने के बाद हमारा जो पेबल है अमाउंट वो जीरो ही बचेगा जैसा कि ऊपर के केस में था, तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन पिछले क्वेश्चंस में आपने देख लिया था 31 जनवरी और 1 फरवरी में क्या डिफरेंस आया था, तो इनपुट क्रेडिट तो यहाँ पर है ही नहीं तो बिल्कुल जीरो आएगा और हमारा कोई बैलेंस जीएसटी पेबल का नहीं बचेगा। हमने 5,000 रुपये का यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लिया है, तो ये केस में सेम हमारा 31 जनवरी का और 1 फरवरी का रूल के अकॉर्डिंग 2000 का आईजीएसटी आ रहा है। जबकि क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम देखें 11 में, क्योंकि 12 तो आपके लिए है, यहाँ पर बैलेंस जीएसटी पेबल था 400 रुपये का, आईजीएसटी नहीं था। लेकिन 1 फरवरी में देखें तो बैलेंस जीएसटी क्रेडिट था सेंट्रल का और एसजीएसटी का पेबल था। तो ये थोड़ा सा रूल के अकॉर्डिंग हमारा अमाउंट्स में चेंजेस हुआ है। बस हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि सेंट्रल और स्टेट को हम आपस में एडजस्ट नहीं कर सकते, आईजीएसटी के बैलेंस का यूज कर सकते हैं हम सेंट्रल और गुड्स के पेमेंट के लिए, या सेंट्रल और गुड्स के क्रेडिट को हम यूज कर सकते हैं आईजीएसटी के पेबल के अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए। तो होपफुली एक्सेल में कैलकुलेशन हमने सीखा। आने वाले वीडियोस में हम और भी जीएसटी से रिलेटेड कुछ बातें सीखने वाले हैं, उसके बाद टैली में एंट्री करना भी हम देखने वाले हैं कैसे वहां पर एडजस्ट करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहें सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।